नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ 27। उगते सूर्य को अर्ध के साथ पूरे श्रद्धा भाव से संपन्न हुआ छठ महापर्व। आज छठ महापर्व का अंतिम दिन था। लोग बहुत सवेरे ही बीएमपी छठ घाट पर पहुंच गए और भगवान सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब सूर्योदय हुआ तो भक्तों ने भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ अर्पित किया। इस दौरान सभी लोग भक्ति भाव से ओत प्रोत नजर आए। देखिए अस्मित कुमार की इस रिपोर्ट में। और क्या पिछले साल के मुताबिक इस बार आपको कैसा महसूस हो रहा है? असर पड़ा है पिछले साल के मुताबिक। ठीक है, नाम बताइए। राजकुमार सर। इस बार का छठ पूजा किस तरह से मनाया है पहले के मुताबिक, पहले साल के मुताबिक? कम देखा जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ठीक ही है। बहुत लोग तो इस बार नहीं भी आए अपने घरों से, ठीक है, बढ़िया है। परिचय? आशीष कुमार। सही है सर, एकदम ठीक है, कोई अंतर नहीं है। और पहले मतलब अभी तो कुछ ना कुछ तो कोरोना को लेकर लोगों के भी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी घर पे भी मना रहे हैं छठ। घर पर मना रहे हैं, लगभग 60% घर पर मना रहे हैं। ठीक है, नाम बताइए। कैसा बन रहा है? बहुत ही अच्छा बन रहा है। और पिछले साल के मुताबिक इस साल का आपका कैसा लगा? और अभी जैसा कोरोना चल रहा है, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दिया गया था उसका लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो नहीं रहा, क्योंकि कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि गाइडलाइन का पालन हो रहा है। क्या नाम हो गया आपका? बताइए इस बार का छठ पूजा कैसा बन रहा है? पिछले साल के मुताबिक इस साल का इस बार छठ पूजा आप कैसा मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार छठ पूजा? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले पिछले साल के मुताबिक इस साल का छठ पूजा कैसा रहा? इस साल का बहुत अच्छा है, पिछले साल से बहुत अच्छा लग रहा है। और घाट के तरफ से आपको क्या दिया गया यहाँ पे प्रशासन की तरफ से? जी तो ना परिचय दीजिएगा। माला कुमारी, इमरजेंसी कॉलोनी। बताइए इस बार आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस छठ पूजा में? जी छठ पूजा अच्छा है, पिछले साल की भांति इस साल भी प्रशासन ने अच्छा काम किया, अच्छा है सब कुछ। मतलब पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया गया है? हाँ, पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया गया है, भीड़ थोड़ा कम है कोरोना के डर के कारण शायद, लेकिन सब कुछ अच्छा है। और इस बार मतलब लोगों घर पे भी बना रहे हैं, सुनने में आ रहा है लोग घर पे बना रहे हैं इस बार छठ। हाँ, इसके विषय में क्या कहेंगे? ज्यादातर लोग घर पे मना रहे हैं, थोड़ा कम भीड़ है, लेकिन सही है, सोशल डिस्टेंसिंग में भी लोग नहीं है कह सकते हैं लेकिन ठीक है, कम भीड़ है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। परिचय दीजिए। बताइए इस बार छठ पूजा में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। पिछले साल के मुताबिक इस साल का छठ कैसा रहा? इस साल बहुत शांति विधि व्यवस्था है, लेकिन दुख की बात है सोशल डिस्टेंस का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं एक तरह से, ऐसा लग रहा है। ये अपनी अपनी समझदारी है ना, वो प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी ढील दी गई है, क्योंकि लोक आस्था का पर्व है, ये महापर्व है छठ पूजा। फिर भी अपनी अपनी सोच होनी चाहिए ना प्रशासन की, कोई आदमी कोई भी अपनी सोच होनी चाहिए ना। क्या हो गया आपका नाम? बताइए इस बार छठ पूजा में कैसा महसूस कर रहे हैं? इस बार काफ़ी शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है और किसी भी तरह की ज़्यादा चहल पहल नहीं है, पूरा आदमी शांति। हर साल इस यहाँ पे प्रोग्राम भी होता था, इस साल नहीं हुआ कोरोना की वजह से। इस वजह से आदमी अपनी सुरक्षा को देखते हुए आस्था को मनाते हुए अपना धर्म को प्रधानता दिया है और ऐसा होना ही चाहिए। पटाखा भी बहुत। क्या नाम हो गया आपका? मैं कुमार साहब।
छठ पूजा तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी तरह हो रहा है और बहुत ही आस्था का पर्व है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को देख के। बट पिछले वर्ष से कुछ भीड़ कम हुई है, लोग अपने अपने घरों में छठ पूजा भी मना रहे हैं, इस कारण कुछ भीड़ कम है। और सोशल डिस्टेंस की बात बोले तो थोड़ा सा कम मेंटेन हो रहा है, बट मेंटेन हो रहा है। तो आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मिर्चियावाड़ी चौक कटिहार। अच्छे से मन रहा है, पिछले साल से कुछ कम भीड़ है लेकिन अच्छा है। रुपेश कुमार चौक लग रहा है, कोरोना काल में इसलिए थोड़ा बहुत संयम है और बहुत ही कम जो लोग हैं अपने घरों में मना रहे हैं और बहुत ही संयम से मना रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है। राकेश कुमार, मिर्चियावाड़ी।